आलोक वित्त इलाहाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर तथा सोनभद्र जनपदों के लिए है। आलोक वृत्त की कथा वस्तु या सारांश। आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा गांधी जी के जन्म से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक की ऐतिहासिक कथा है। इस कथा को 8 सर्गों में विभाजित किया गया है। पहला सर्ग भारत के अतीत के ऊपर है। कवि भारत के स्वर्णिम अतीत का वर्णन कर तत्कालिक भारत की दशा का वर्णन करता है। इसमें नई मानवता का जयघोष किया जाता है और गुलाम भारत के जागरण की आवाज उठाई जाती है। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति के ठीक 12 वर्ष बाद गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ। गांधी जी के जन्म के साथ ही प्रथम सर्ग समाप्त हो जाता है। दूसरा सर्ग गांधी जी की प्रारंभिक जीवन के ऊपर है। खंडकाव्य की कथा दूसरे सर्ग से प्रारंभ होती है। मोहनदास करमचंद्र गांधी के मन में गोरे शासन के विरुद्ध बचपन से ही चिंता व्याप्त हो जाती है। अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए वे अपने को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और इसके लिए वे मांसाहार करने की सोचते हैं। घर से पैसा चुरा चुरा कर चोरी चोरी मांस खाया करते हैं, किंतु झूठ और चोरी से वे मन ही मन लज्जित होते हैं। फिर अपने रोगी पिता को पत्र लिखकर अपनी कमजोरियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। पिता पुत्र की सच्चाई पर गदगद होकर छाती से लगा लेते हैं। समय बीतता है, उनकी शादी कस्तूरबा के साथ होती है। मानवीय दुर्बलताओं से प्रेरित बापू भी कस्तूरबा के प्रति आसक्त हो जाते हैं और इसी समय रोगशैया पर पड़े पिता की मृत्यु हो जाती है। बापू को इसका आघात पहुंचता है और वे आत्मचिंतन व पश्चाताप करते हैं। पुरानी परंपराओं को तोड़कर उच्च शिक्षा के लिए बापू अपनी माता पुतलीबाई से आज्ञा लेकर विदेश जाते हैं और वहां अपनी माता को दिए गए वचन के अनुसार वे बराबर मध्य मांस मदिरा आदि से बचते हैं। स्टडी खत्म होने के बाद बापू स्वदेश लौटते हैं, किंतु माता पुतलीबाई का देहांत हो चुका रहता है। वह माता के लिए व्याकुल हो उठते हैं। तीसरा सर्ग अफ्रीकी प्रवास। बाबू अफ्रीका जाते हैं। वहां एक गोरा यात्री जाड़े की रात में प्रथम श्रेणी के डब्बे से बाबू को बाहर निकाल देता है। वे रात भर प्लेटफार्म पर ठिठुरते हैं और भारतवासियों की हीनावस्था के संबंध में चिंतन करते हैं। बापू विचार मंथन करके अहिंसा को हिंसा से शक्तिशाली मानते हैं। वे निश्चय करते हैं कि प्रेम और अहिंसा द्वारा मैं शत्रु का हृदय परिवर्तित करूंगा। इसमें कठिनाइयां आने पर भले ही मुझे सूली पर चढ़ना पड़े, हृदय मंथन के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी को जो अहिंसात्मक प्रतिकार का मार्ग सूझता है वही बाद में सत्याग्रह नाम से अभिहित होता है। बापू दक्षिणी अफ्रीका में हजारों सत्याग्रहियों का नेतृत्व करते हैं। चौथा सर्ग भारत आगमन पर है। अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं। गांधी जी के आह्वान पर देश बंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि नेता उनका नेतृत्व करते हैं। सर्ग के प्रारंभ में चंपारण के संघर्ष का चित्रण है। गोरे नीलहों का किस प्रकार हृदय परिवर्तित किया जाए, कवि ने बड़ी सूक्ष्मता से इस सर्ग में विवेचना किया है। इस आंदोलन की सफलता के बाद खेड़ा सत्याग्रह का वर्णन हुआ, जिसमें वल्लभ भाई पटेल का चरित्र उभर कर सामने आया। भीषण अकाल के समय अंग्रेजों द्वारा लगान वसूल का दमन चला। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों ने लगान देना बंद कर दिया और अंग्रेजों के हिंसात्मक दमन को बापू के अहिंसात्मक विरोध के आगे झुकना पड़ा। पांचवा सर्ग असहयोग आंदोलन पर है। प्रारंभ में असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर बापू का ओजस्वी भाषण होता है। इसी बीच चोरी चोरा की घटना हो जाती है। महात्मा गांधी आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अस्वस्थता के कारण जेल की अवधि पूरी किए बिना ही छोड़ दिए जाते हैं। अपनी सजा का शेष अवधि तक के राजनीति से अलग होकर हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजनों द्वार, खादी प्रचार आदि रचनात्मक कार्य करते हैं। इन्हीं दिनों बापू को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिनों का उपवास भी करना पड़ता है। छठा सर्ग नमक सत्याग्रह यानी डांडी यात्रा पर है।
छठे सर्ग में नमक सत्याग्रह का चित्रण है। बापू बतलाते हैं कि नमक तो सबके लिए भोज्य पदार्थ है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत को लेकर बापू नमक सत्याग्रह का प्रारंभ करते हैं। वे डांडी यात्रा पर पैदल नमक कानून को तोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। जेल सत्याग्रहियों से भर जाता है, गोलियां चलती हैं, बम के धमाके होते हैं, किंतु सत्याग्रहियों को उत्साह में कमी नहीं होती। अंग्रेजी सत्ता बापू के इस सत्याग्रह से बदल जाती है। फिर बापू अंग्रेजों द्वारा गोलमेज परिषद के लिए बुलाए जाते हैं और सन 1937 में प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना का अधिकार मिल जाता है। सातवां सर्ग जनक्रांति पर है। सन 1942 की जनक्रांति का प्रारंभ होता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद होता है। बापू के आह्वान पर सारा देश क्रांति की ज्वाला से टूट पड़ता है। फिर साम्राज्यवादी कुचक्र प्रारंभ होता है। सभी नेता बंदी बना लिए जाते हैं, किंतु क्रांति की ज्वाला बुझती नहीं। अंग्रेजों का दमन चक्र प्रारंभ हो जाता है। युवकों को गोलियां खानी पड़ती है। इसी समय कस्तूरबा की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु से बापू को गहरी ठेस पहुंचती है, वे टूट जाते हैं। आठवां सर्ग स्वतंत्रता पर है। आखिर अंत में देश स्वतंत्र हो जाता है। आकाश में तिरंगा फहराने लगता है, किंतु देशव्यापी हिंसात्मक सांप्रदायिक उपद्रव से बापू दुखी हो जाते हैं। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस देश को सच्चा मार्ग दिखलाओ, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इन्हें शांत कर सकूं। और बापू की प्रार्थना के साथ खंडकाव्य की कथा समाप्त हो जाती है।